अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ऐसे स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है और इस वीडियो पे अमल भी करना है। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका प्यारा लवली और सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आए जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस, सब कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेजेस की, वो आप तक पहुँचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तमाम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के नहीं होते, ठीक है। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो जब आपको बुक्स अलॉट होती हैं, ठीक है, तो वहां पे लिखा होता है कि कितने क्रेडिट आवर का प्रैक्टिकल है, ठीक है। आमतौर पर एक क्रेडिट आवर का होता है या फिर दो क्रेडिट आवर का होता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर यही रहते हैं, फर्स्ट या फिर होता ही नहीं है प्रैक्टिकल, या एक क्रेडिट आवर का होता है या फिर दो क्रेडिट आवर का होता है। अगर एक क्रेडिट आवर का हो तो फिर आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और अगर दो क्रेडिट आवर का हो तो फिर आपका 40 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, सही है। अच्छा जी, अब यहां पे हम दो कैटेगरीज कर रहे हैं, एक है प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज वाले, एक है गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज वाले। अच्छा, जो गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज वाले हैं वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल्स हो चुके होंगे, सही है, क्योंकि उनकी डेट शीट जो है वो उनके कॉलेज वाले खुद बनाते हैं, ठीक है। यानी जहां पे वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, एफिलिएटेड कॉलेज में, वो उसके टीचर्स जो हैं वो ही प्रैक्टिकल्स बनाते हैं और वही सेम जो है वो चेक कर लेते हैं। आमतौर पर वो जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उससे पहले ही ले लेते हैं, ठीक है, या ये भी हो सकता है वो फाइनल पेपर्स के बाद भी ले रहे, मतलब कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज वाले थोड़ा गौर से ये वीडियो देखें। अच्छा जी, जितने भी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज वाले हैं उनकी जो डेट शीट है वो जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद खुद बनाती है, ठीक है, और आपके जिस तरह फाइनल एग्जाम्स आपके हुए हैं वहां पे सेंटर्स बने हैं, सेम इसी तरह आपके सेंटर्स बनेंगे, ठीक है, और इसी तरह आपको एग्जामिनर आएगा और आपके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करेगा, सही है। अब जी आपकी डेट शीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, और आपकी जो डेट शीट है अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें तो 20 जुलाई से जो है वो आपके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के 20 जुलाई से जो है वो आपके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं। डेट शीट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी और कन्फ्यूजन कम हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद जी स्टूडेंट्स परेशान होंगे कि भाई प्रैक्टिकल्स पता नहीं क्या चीज़ है, तो भाई परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आप अच्छे से कोई 6-7 प्रैक्टिकल्स कॉपी पे लिख लें, ठीक है, और याद कर लें कोई 5-6, ठीक है। और अगर हम बात करें वहाँ पे आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, किसी के साथ ओवर रिएक्ट नहीं करना, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आप पर मैटर करती हैं। वाइवा भी अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपके नंबर्स आ जाए, ठीक है। ये ना हो कि आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा और आप कहें कि भाई मैं जो है वो मतलब मेरे पूरे नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। हाँ, प्रैक्टिकल्स में सिफारिश की बात है तो भाई वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इस पर कोई कन्फर्म नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई एक बात और जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप थ्योरी में फेल होंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकल में पास होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो बंदा प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम देने जाता है वो पास ही होता है, कम अज़ कम वो 8-9 नंबर दे देते हैं ताकि स्टूडेंट पास हो जाए, सही है। अगर आप वहाँ पे एब्सेंट होंगे तो आप डेफिनेटली फेल हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो पास तो पक्का हैं। हाँ, ऊपर अपनी जितनी मेहनत करेंगे उतने आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिकल्स आपने लिखने कैसे हैं, कितने के लिखने हैं, ठीक है, याद कौन कौन से वैसे आपको करने चाहिए, ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।